हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। चैप्टर है हमारा फर्स्ट, बिजनेस ट्रेड इन कॉमर्स। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विच इज मर्चेंट कॉरपोरेशंस। सो गाइस, अगर मर्चेंट कॉरपोरेशंस की बात की जाए तो ये क्या थे? सम कॉरपोरेशंस आर फॉर्म्ड विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मेंबरशिप। यानी एंशंट इंडिया के वक्त कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस बनाई गई थी जिनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे मेंबरशिप के। कोई भी अगर मेंबर ले बनना चाहता है तो खुद के उनके रूल्स थे, कोई दूसरा उन पे रूल नहीं थोपता था, ठीक है। और इसका रीजन क्या था बनने का इन मर्चेंट कॉरपोरेशंस का? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स यानी जो लोग व्यापार करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए ये मर्चेंट कॉरपोरेशंस बनाई गई थी। आगे देखते हैं। ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जो ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको क्या करना होता था? इन मर्चेंट कॉरपोरेशंस को ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज देनी होती थी। ये क्या होती हैं? जब भी कोई गुड दूसरी जगह से अपनी स्टेट में एंटर करता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उन गुड्स के लिए कि गुड्स हमारे स्टेट में एंटर हुए हैं, ठीक है, बेसिकली सेलिंग के पर्पज से, कंजप्शन के पर्पज से नहीं, तो वो होती है ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज। और ट्रेडर्स को साथ में कस्टम्स ड्यूटी भी देनी पड़ती थी। कस्टम्स ड्यूटी क्या होती है? ऑलमोस्ट ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज जैसी ही होती है, बस डिफरेंस ये है जब किसी दूसरी कंट्री से कोई भी गुड इम्पोर्ट होके हमारी खुद की कंट्री में आता है तो हमें टैक्स देना होता है, वो होता है कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। ये दोनों ड्यूटीज जो हैं ट्रेडर्स को देनी होती थी इन मर्चेंट कॉरपोरेशंस को। एंड दे आर वेरिड अकॉर्डिंग टू कम्युनिटीज, मतलब हर एक कम्युनिटी के लिए अलग अलग जो है ड्यूटीज रखी हुई थी, किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा। एंड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, यानी हर एक प्रोविंस के लिए अलग अलग कस्टम ड्यूटी, अलग अलग रेट था इन टैक्स का। प्रोविंस से इधर एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? पर्टिकुलर एरिया या किसी रीजन की बात की जा रही है। और उस टाइम पे क्या हुआ करता था? एक फेरी टैक्स नाम का टैक्स हुआ करता था, ठीक है। इट वाज आल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, ठीक है। इससे भी जो है गवर्नमेंट की इनकम काफी होती थी। ये टैक्स होता क्या है? बेसिकली पेड फॉर पैसेंजर्स गुड्स एंड केटल। अगर आप पैसेंजर्स को, गुड्स को या केटल को इधर से उधर कहीं पे मूवमेंट करा रहे हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता था, जिसका नाम होता था फेरी टैक्स। लोकल बॉडीज यूज टू रिसीव टैक्स। लोकल बॉडीज जो होती थी वही टैक्स रिसीव करती थी, ठीक है। मेन जो गैंग होता है उसका कोई रोल नहीं था, लोकल बॉडीज जो होती थी वही टैक्स रिसीव किया करती थी। एक होता था हेड ऑफ महाजन, महाजन्स हुआ करते थे उस वक्त, और उन महाजन्स के हेड को बोला जाता था द गिल्ड। तो ये लोग क्या करते थे? यूज टू डील डायरेक्टली विद किंग। ये लोग डायरेक्टली किंग से यही डील करते थे जो गिल्ड लोग हुआ करते थे या फिर टैक्स कलेक्टर से, ये खुद ही बात किया करते थे पर्सनली। हर कोई मर्चेंट, ठीक है, व्यापारी उठकर किंग के पास या टैक्स कलेक्टर के पास नहीं जाता था। कोई भी इनको प्रॉब्लम होती थी तो ये इनसे बोलता था और ये लोग जाकर क्या करते थे, इनके किंग से या टैक्स कलेक्टर से इनके बिहाफ पे बात किया करते थे। गिल्ड मर्चेंट्स अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स। और जो ये गिल्ड थे, यही गिल्ड मर्चेंट्स जो थे वो क्या करते थे, टेम्पल अगर बनाना है तो इनका काम जो है इन्हीं गिल्ड मर्चेंट्स को दिया जाता था। ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटीज बिग मर्चेंट्स गेन पावर इन सोसाइटी। अभी सबको पता है कमर्शियल एक्टिविटीज जहां पे भी होगी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज जहां पे भी होगी, तो वहां पे बड़े बड़े मर्चेंट्स यानी जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं उन्हीं के हाथ में सारी पावर होती है। जैसे अपने यहाँ अंबानी वंबानी के हाथ में है सारी पावर, ऐसे ही उस टाइम पे जो बहुत बड़े बड़े कमर्शियल एक्टिविटीज बड़े बड़े लेवल पे करते थे उन मर्चेंट्स के हाथ में पावर हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। मेजर ट्रेड सेंटर्स। ट्रेड सेंटर्स उस वक्त कौन कौन से हुआ करते थे? पाटलिपुत्र, जिसे कि आज पटना कहा जाता है, मेजर ट्रेड सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। उस वक्त वहां से जो है स्टोन्स जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे। नेक्स्ट इज पेशावर, एक्सपोर्ट सेंटर फॉर वूल। वूल को एक्सपोर्ट किया जाता था और हॉर्स को इम्पोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट मतलब होता है अपनी कंट्री से किसी दूसरी जगह पे कोई गुड्स को भेजना, और इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में कोई गुड मंगवाना। इट हैड ह्यूज कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंडिया चाइना एंड रोम। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती थी इंडिया चाइना और रोम के बीच में। नेक्स्ट है टेक्सिला। इट वॉज द सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स। यहाँ बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक्स हुआ करते थे
और इस टाइम पे एक और यूनिवर्सिटी थी जो बहुत ज्यादा फेमस थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अगला है इंद्रप्रस्थ, कमर्शियल जंक्शन ऑफ रॉयल रोड वेयर मोस्ट रूट्स लीडिंग टू ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ कन्वर्ज। यहाँ बहुत सारे रूट्स मिलते थे ईस्ट की तरफ जाने वाले भी, वेस्ट साउथ नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है मथुरा, सबने नाम सुना होगा, इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट है वाराणसी, मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा होती थी वाराणसी में, और ये किसके लिए फेमस था, ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ, यहाँ पे बहुत ज्यादा सुंदर गोल्ड सिल्क क्लॉथ हुआ करते थे उसके लिए बहुत फेमस था, और साथ में सैंडलवुड वर्कमैनशिप, सैंडलवुड का भी बहुत ज्यादा इधर काम हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं मिथिला, स्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना एंड यूनान, यहाँ पे जो है साउथ चाइना की यूनान में बहुत सारी ट्रेडिंग कॉलोनीज बनाई गई थी। नेक्स्ट है उज्जैन, अगेट कार्नेलियन मसलिन मेलो क्लॉथ वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन, यहाँ से उज्जैन से क्या होता था, ये बहुत सारे टाइप के क्लोथ्स जो है अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट किए जाते थे या भेजे जाते थे। सूरत, सबने नाम सुना ही होगा, टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर, सूरत किस लिए फेमस था, उसके गोल्ड बॉर्डर के लिए जिसे बोला जाता था जरी का काम। ठीक है, आगे है कांची, चाइनीज यूज टू कम इन फॉरेन शिप्स, यहाँ पे क्या होता था बहुत सारे चाइनीज आते रहते थे, ठीक है, शिप्स में, शिप्स के थ्रू टू परचेज पर्ल्स ग्लास रॉ स्टोन्स एंड इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क। ठीक है, वो किस लिए आते थे, ये सब चीजें खरीदने आते थे, और साथ में ये खरीदने के बाद हमें रिटर्न में ये चीजें वो बेच कर भी जाते थे, जैसे गोल्ड और सिल्क। नेक्स्ट है मदुरा, कैपिटल ऑफ पांड्यास इसको बोला जाता था, अट्रैक्टेड फॉरन मर्चेंट्स पर्टिकुलरली रोमन्स फॉर कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन मर्चेंट्स आया करते थे मदुरा में, बेसिकली कौन आया करते थे, ज्यादातर रोमन्स आया करते थे ओवरसीज ट्रेड, यानी और सारे बहुत सारे कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए रोमन्स जो है यहाँ पे आया करते थे। कावेरी पट्टा, जिसे कि कहा जाता है कावेरी पट्टनम, सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर परफ्यूम्स, यहाँ पे किस चीज का ट्रेड होता था, परफ्यूम्स कॉस्मेटिक्स सिल्क वूल पर्ल्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, यहाँ पे इसका जो है ट्रेड हुआ करता था। आगे है तमराली पट्टी, पोर्ट कनेक्टेड बाय बोथ लैंड एंड सी विद वेस्ट एंड फार ईस्ट, ये एक टाइप एक पोर्ट था, ठीक है, जो लैंड से भी कनेक्टेड था और सी से भी, मतलब दोनों ही चीजों से कनेक्टेड था, आपको ट्रेड करना है तो आप यहाँ से लैंड के थ्रू भी कर सकते थे और सी के थ्रू भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते थे। नेक्स्ट अपना पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, एंशंट इंडिया के वक्त जो है ज्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किस चीज में किया जाता था, आपका एक्सपोर्ट्स में क्या क्या किया जाता था, जैसे स्पाइसेस व्हीट शुगर इंडिको ओपियम कॉटन पैरट्स एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक हॉर्न्स फर्स के काफी एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं जिसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट्स किया जाता था। अभी है इम्पोर्ट की बारी, इम्पोर्ट्स कौन से ज्यादा किए जाते थे उस वक्त, हॉर्सेस एनिमल प्रोडक्ट्स चाइनीज सिल्क पर्ल सेफायर सिल्वर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इम्पोर्ट्स के। इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म हुआ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।